स्त्री और पुरुष दोनों में सेक्सुअल एक्टिविटी चार फेजों में कंप्लीट होती है। जो सबसे पहला फेज है जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी की शुरुआत होती है वो है डिजायर। अगर खुद के थॉट और फैंटेसी से डिजायर की शुरुआत होए तो उसे स्पॉन्टेनियस डिजायर बोलते हैं, और अगर पार्टनर हमारे फाइव सेंसेस शेयर दे तो रिएक्टिव डिजायर बोलते हैं। ये फाइव सेंसेस है देखना, सुनना, स्मेल करना, कुछ टेस्ट करना या टच। एक बार डिजायर की शुरुआत हो जाए तो शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि धड़कनें बढ़ जाती है, ब्रीदिंग लॉन्ग एंड डीप होने लगती है, मसल की टेंस होने लगता है, स्किन स्वेटिंग करने लगता है और जेनिटल्स में खून का संचार होता है। मेल्स में ल्यूब्रिकेशन की शुरुआत होती है, पैनिस में इरेक्शन होता है, टेस्टिस की साइज बढ़ जाती है, उसके ऊपर की चमड़ी जिसे स्क्रोटम बोलते हैं उसकी टाइटनिंग होने लगती है। फीमेल में भी ल्यूब्रिकेशन होता है, फीमेल के जेनिटल्स भी टाइट होने लगते हैं और फीमेल की जो ब्रेस्ट और जेनिटल्स के सेंसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा फेज है एक्साइटेशन फेज। इस फेज में ये जो सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैंने बताए वो बहुत इंटेंस गुड होने लगते हैं। तीसरा फेज है क्लाइमैक्स, ऑर्गेज्म या चरम सीमा का एहसास। इस फेज में मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और सेक्सुअल टेंशन रिलीज होती है। मेल में इजेक्यूलेशन होता है और सीमेन का डिस्चार्ज होता है, जबकि फीमेल में वजाइना एंड यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब जो आखिरी फेज है वो है रिसोल्यूशन फेज। इस फेज में सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि बढ़ी हुई धड़कने, रेस्पिरेशन, सब मूल अवस्था में आने लगते हैं। जेनिटल्स में जो रक्त का संचार हुआ था वो भी अपनी मूल अवस्था में आ जाता है।